सिरसा से बड़ी खबर, लोकप्रियता बाबा रामदेव के धाम को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। विधायक गोपाल कांडा ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना कर दिया है। हजारों श्रद्धालुओं को निशुल्क लेकर रुणेचा धाम जा रहे हैं गोपाल कांडा। श्रद्धालुओं के उत्साह को देखकर बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो 25-30 की संख्या पहले, लेकिन अब 45 कर दी गई है बसों की संख्या। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में यात्रा की जा रही है। और देखिए, रामदेव के धाम जाने को लेकर तमाम श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। पहले बसेस की संख्या 25 थी, लेकिन अब वहीं बसेस की संख्या बढ़ा दी गई है और अब 45 कर दी गई है। श्रद्धालुओं के उत्साह को देखकर बसों की संख्या बढ़ा दी गई है, 25 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है। और ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से तमाम श्रद्धालु जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। विधायक गोपाल कांडा ने हरी झंडी दिखा दी है और बसों को रवाना किया है। तो लोक देवता बाबा रामदेव के धाम जाने को लेकर तमाम भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और हरी झंडी जो है वो दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया गया है और बसों को रवाना किया गया है। तो पहले बसेस की संख्या जो है वो 25 थी, लेकिन ये तमाम जो श्रद्धालुओं को उत्साह है, उस उत्साह को देखने के बाद 45 कर दी गई है उसकी संख्या। तो हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया है, कितना उत्साह है, कितनी खुशी है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल बसों को रवाना जो है वो किया जा रहा है और कितने खुश नजर आ रहे हैं लोक देवता बाबा रामदेव के धाम जाने के लिए। काफी जो भक्त हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। पहले बसेस की संख्या कम थी, लेकिन अब बसेस की संख्या बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो भक्त हैं वो काफी खुश भी हैं। और ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है और ये जो यात्रा है वो निःशुल्क है। खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, ये जो यात्रा के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, खुद विधायक गोपाल कांडा ने हरी झंडी भी दिखा दी है, बसों को रवाना कर दिया है। बिल्कुल साधना, अगर बात करें तो लोक देवता बाबा रामदेव रुणेचा धाम में विराजते हैं, वहां उनकी समाधि है और करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है। सिरसा से आज एक अनूठा काम, जो शायद देश में ऐसा पहली बार हो रहा हो कि हजारों श्रद्धालुओं को लेकर कोई नेता अपने सिरसा के अपने जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और जो सिरसा वासी हैं उनको लेकर रवाना हुए हैं। और करीब जो अगर बात करें तो पहले 25 बसें थी, उन्हें बढ़ाकर पहले 45 के थे, उसके बाद 50 बसों को यहाँ से रवाना किया गया है और हजारों श्रद्धालु जो है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। जी सर, अमित बात करें, पहले बसेस की संख्या 25 थी, अब आपने जानकारी दी है कि 50 कर दी गई है, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में? निश्चित रूप से साधना, जब शुरुआत की गई थी, जब घोषणा की गई थी, उस समय 25 बसों की बात की गई थी, लेकिन जब श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए और उन्होंने अपना पंजीकरण कराया बाकायदा, उसके बाद जो है उन्हें रवाना किया गया, तो ऐसे में संख्या देखते हुए उसे डबल कर दिया गया बसों की। इतनी ही व्यवस्था थी, उपलब्धता इतनी ही थी, क्योंकि आगे रहने खाने रुकने का उनका इंतजाम भी रुणेचा धाम में तमाम जो धर्मशालाएं हैं वो बुक कर ली गई है, ताकि किसी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस सोच के साथ जो अब श्रद्धालु शेष रह गए हैं उन्हें भी, उनके लिए भी अगली यात्रा का जो है वो प्रबंध किया जाएगा। फिलहाल जो है उत्साह के साथ सभी श्रद्धालुओं को लेकर बसें जो है वो रवाना हुई है। विधायक गोपाल कांडा ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है और एक के बाद एक 50 बसों का काफिला और एक बड़ा आयोजन जो सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि करीब 550 किलोमीटर की दूरी पर है सिरसा से रुणेचा धाम। तो ऐसे में एक बड़ी लंबी दूरी की यात्रा है और उनके सभी के लोगों का ठहरने का, उनके रुकने का इंतजाम करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, एक बड़ा अभियान है ये, और इसको पूरा करने का काम जो है वो गोपाल कांडा ने किया है। जी बहुत शुक्रिया अमित, नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए।
तो देखिए मेरे सहयोगी ने जिक्र किया है कि पहले बसेस 25 थी, लेकिन अब संख्या बढ़ा दी गई है और अब बसेस की संख्या 50 कर दी गई है और तमाम श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखा गया है।